एक चीज जानना चाह रहा था लगातार, क्योंकि हाँ आ, आ, मैंने और तमाम लोगों ने एक आधी उम्र, मतलब आप नौजवान हैं मैं जानता हूँ, समय या जो बीते हुए साल है वो सिर्फ गिनती है, मैं जानता हूँ कि ना तंदूर ठंडा है ना बिल्कुल मिठाई का मन अभी खत्म है, लेकिन एक लंबा सफर जो है वो साण नरसिंहपुरी के नाम से आपका रहा है। आज हम सब लोग श्रद्धेय गुरु सक्सेना जी कहते हैं, हम कोई दोनों नामों में से कोई नहीं भूले, लेकिन अक्सर मुझसे तमाम लोग आज ये पूछते हैं कि वो उस एक नाम की विशेषता क्या थी, वो एक नाम पड़ा किस लिए था, वो अगर आप आज बता चले तो यहाँ बहुत सारे तमाम दोस्तों को आसानी हो जाएगी कि उन्होंने जो किताबों में एक नाम पढ़ा था उसकी क्या है। वाह बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपका बड़ा सहज प्रश्न है, ईमानदार प्रश्न है, और वो मामला यह है कि वैसे अब हम साण के बारे में आपको जानकारी दें, भाई आपको समाज का पूरा अनुभव है ही, तो उसको हम कोई प्रकार के गुणधर्म तो उसके ना बताएंगे कि साण क्या उपयोग में आता है, क्या होता है, भाई नाम ही पर्याप्त है। उस समय जिस समय नामकरण हुआ, जी भोल्लाड़ मतलब भोंपू, इस टाइप के हास्यरस के कवि आए, श्रद्धेय मतलब भूपराम भूप जी हुआ हास्यरस के करते कवि थे। का मतलब, वो एक जी जी ऐसा युग था कि जी हास्यरस का मतलब कोई फालतू नाम जब तक ना होगा उसको मानेगा नहीं कि ये हास्यरस का कवि है। अब बिल्कुल एक हमारे जबलपुर में एक बहुत विद्वान कवि हुए, रामानुज लाल श्रीवास्तव, जी उनका नाम था ऊंट। अब कोई आदमी जी ऊंट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो और उनने सकता। प्रहरी में लगातार लिखा ऊंट कहे पहरी सुनो ये लक्षण है मर्द के, परसाई जी और वो बहुत लिखते रहे, क्या बोलते हैं इसमें, तो अच्छा जी हास्यरस के कारण के भाई व्यक्ति को मनोरंजन चाहिए समाज को किसी भी ढंग से। हालांकि हमने एक ऐसा युग देखा है पंकज जी, जी जी दादा जब मंच पे आठ गीतकार बुलाए जाते थे किसी को कहते थे कि एक आध हास्यरस वाला भी रख लो यार, रख लो। अरे ठीक है रख लो, मतलब ये कि हास्यरस वाले अछूत टाइप के माने जाते थे नो उस समय। जी जी फिर क्या हुआ, धीरे 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 विकास हुआ, तो फिर वो नाम की जरूरत भी नहीं पड़ी और उस टाइप के हास्य की भी नहीं पड़ी। पहले उसी टाइप का हास्य भी था, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे निखार आया कविता में, छंद की आया, फिर और उसके कथन में आया, तो फिर ये हुआ कि जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा ही नाम हो तब कविता हो सकती है। तो उतने जी वर्ष के बाद फिर हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, चाहे गोविंद व्यास जी हों, चाहे चक्रधर जी हों, चाहे सुरेश उपाध्याय हों, माणिक वर्मा हों, शैल चतुर, अरे इतने बढ़िया छंदकार होते कहाँ के साण बने हो तुम तो गुरु ही बढ़िया हो। तो ये फिर क्या ऋषभ के आदेश ये पालन बात किया। और फिर है, ये मैंने सवाल छंद के मामले में एक अंतिम वाक्य और मैं आपको बता दूं कि हमारी जी बड़ी पीढ़ी से जो छंदकार थी बढ़िया, उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, बताया नहीं, ये पीड़ा रही। एक तो उन्हें समय नहीं, दूसरे माध्यम भी नहीं थे। आज तो माध्यम बहुत बढ़िया है, ये मोबाइल आ गया, उस समय तो था नहीं मोबाइल। उस समय तो ये था कि 15-20 दिन में एक पत्र जाता था, फिर तार आता था, फिर स्वीकृति होती थी, एक महीने में एक कार्यक्रम की, यहाँ तो एक दिन में तीन कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं। सही बात है। विकास का तो मैंने कहा भाई मेरी अग्रज पीढ़ी ने अगर नहीं बांटा प्रसाद तो जितना मेरे को आता है, तो मैं तो नए नए लोगों को बिल्कुल छंद सिखाने के लिए हर तरह से समर्पित हूं। और हमारा क्या बात गुरुकुल जो है, एक परिचय के नाते बताऊं,
अच्छे छंदकार उसमें, चाहे अपने सुरेंद्र यादवेंद्र हों, शशिकांत यादव हों, चाहे पांचाल हों, गौरीशंकर दयाकर हों, मनोहर मनोज, सब बढ़िया ढंग से, तो भाई हमें प्रसन्नता है। और आज आपके पटल पर आकर और प्रसन्नता है कि आपने हमें भी धन्य किया, क्योंकि भाई इस उम्र में जरा कमाई अरे धन्य करते हैं लोग, भूमिका बना लेते हैं लेकिन धन्य नहीं करते, और करते हैं तो दूर से धन्य करते हैं। अरे यार, दूर से नहीं करना चाहिए, अरे थोड़ा सा डिस्टेंस कम। पंडित जी के पास चले जी अपन। जी